हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। दिस चैप्टर इज फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, तो इसको हम लोगों को समझने की कोशिश करनी होगी। तो आइए देखते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जब हम लोग बात शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की, तो इस टॉपिक को हम लोग बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। किस सिस्टम में पढ़ते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इसको हम लोग कुछ रिफरेंसेस में इस चैप्टर को सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी देख सकते हैं। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है और ये करता क्या है बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है, इट इज इन्वॉल्व इन द सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस द बॉडी। ये क्या करता है? दिस सिस्टम कंसर्न्स विद द सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस द बॉडी। इस सिस्टम में हम लोग बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं, और ये बॉडी फ्लूइड्स जो है अलग अलग सब्सटेंसेस को शरीर के अलग अलग पार्ट्स में ले जाने का काम करते हैं। तो अब देखिए, बॉडी फ्लूइड्स को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है? तो बॉडी फ्लूइड जो है, तो बेसिकली ये क्या है, एक तरह से अगर लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी। ये शरीर में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है? पहला फंक्शन तो हो जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। दूसरा हो जाता है, इट ऑल्सो मेंटेन्स pH, it also maintains the turgidity of different body organs, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं पेनिस या फिर निपल्स एक्सेट्रा। और क्या कर सकता है ये? इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। क्या कर सकता है? प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस बाय मींस ऑफ, किस तरह से? एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स की मदद से ये क्या कर सकता है? ये हमारे बॉडी को, ये सिस्टम जो है ये प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये एक बेसिक फंक्शन हो गया। अब देखते हैं, देखिए बॉडी में पाए जाने वाले फ्लूइड जो अगर सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि अमीबा, तो इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? अमीबा की अगर बात करते हैं तो अमीबा इज ए यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन। अमीबा क्या है? ये एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन है, यानी प्रोटोजोआ है। अमीबा में देखिए, अगर हमने मान लिया कि ये एक अमीबा है और ये फूड पार्टिकल है, और ये फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया, और ये अमीबा के अंदर पड़ा हुआ तरल पदार्थ यानी कि प्रोटोप्लाज्म है। ये देखिए, ये क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? और ये फूड पार्टिकल जो बॉडी के बाहर था वो कहां पर आ गया है? ये बॉडी के अंदर आ गया है। अब हम मान लेते हैं कि इस पार्टिकल को यहां से यहां पर आना है, तो ये कैसे आएगा?
यहाँ पर ना तो कोई स्पेशलाइज्ड वेसल्स है, ना तो कोई चीज है, ना तो ब्लड है, ना तो लिम्फ है, इस तरह की चीजें तो है नहीं। तो ये क्या करता है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो भरा हुआ तरल पदार्थ है, ये प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, ये साइक्लिक मूवमेंट करता है। और इस साइक्लिक मूवमेंट की वजह से ये जो फूड पार्टिकल जो यहाँ पर पड़ा हुआ था वो कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। और इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है, इसको हम लोग साइक्लोसिस भी कहते हैं, साइक्लिक वे में चल रहा है तो साइक्लोसिस भी कहलाया जा सकता है। लेकिन और अगर अब देखते हैं कुछ और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स में, सीलेंट्रेट्स में क्या होता है, देखिए स्पॉन्जेस या सीलेंट्रेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई स्पेशल बॉडी फ्लूइड ब्लड वगैरह तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाहर से आने वाला वाटर जो है वो यूजफुल चीजों को लाता है और वही क्या करता है, वही ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। यानी कि वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे हम लोग पढ़ रखा होता है कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस के केस में कि वाटर जो है, ये वाटर है, ये वाटर बॉडी में आता है और बॉडी में वाटर यूजफुल चीजें दे देता है और हमको चीजों को लेकर ये वाटर बॉडी के बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इस तरह से ये सिंपल लेवल पर सर्कुलेशन की बात हम लोग करते हैं। तो अब जब आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं तो वहां पर स्पेशल फ्लूइड्स दिए रहते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया। बेसिकली ह्यूमन में अगर बात करते हैं तो वहां पर क्या आ जाएगा, ब्लड एंड लिम्फ, इसकी बात हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं। थोड़ा सा पहले हम आप समझते हैं, हम लोग जो फ्लूइड्स होते हैं बॉडी में, कुछ फ्लूइड्स सेल के अंदर पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, और कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो कहां पाए जाते हैं, जो सेल के बाहर पाए जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। तो आइए देख लेते हैं इन फ्लूइड्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज क्या है। देखिए फ्लूइड्स की जब बात करते हैं तो दो तरह का फ्लूइड होगा, कितनी तरह का फ्लूइड आता है, टू टाइप्स का फ्लूइड होगा स्टूडेंट्स। एक होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कौन सा होता है, एक है स्टूडेंट्स इंट्रासेलुलर फ्लूइड और दूसरा कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर हम लोग बात करते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड की, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज फाउंड इनसाइड द सेल, ये किसमें पाया जाता है, इट इज फाउंड इनसाइड द सेल। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहां पाया जाता है स्टूडेंट्स, इट इज फाउंड आउटसाइड द सेल, ये बॉडी सेल के बाहर पाया जाता है, ठीक है। अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करते हैं तो इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इट्स कंपोजिशन, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसके कंपोजिशन में, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज पोटेशियम। इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है स्टूडेंट्स, पोटेशियम होता है, पोटेशियम आयन। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर का मेजर कॉम्पोनेंट जो होता है दैट इज सोडियम, इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। यहां पर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सोडियम कॉन्स्टिट्यूएंट, क्लियर। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि आ सकता है ब्लड प्लाज्मा। कौन सा आ सकता है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा इट इज फाउंड इन द ब्लड, फाउंड इन ब्लड, जो ब्लड में मिलेगा। दूसरा आ सकता है लिम्फ प्लाज्मा, दूसरा कौन सा हो सकता है लिम्फ प्लाज्मा, ये कहां पर पाया जाता है, फाउंड इन लिम्फ। तीसरे होते हैं स्टूडेंट्स सीरस फ्लूइड्स,
सीरस फ्लूइड्स क्या होते हैं, इसमें ये किसमें पाए जाते हैं, जैसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो क्या हो सकता है, सीरस फ्लूइड यानी कि पेरिकार्डियल फ्लूइड हो सकता है और आपका पेरिटोनियल फ्लूइड हो सकता है, पेरिटोनियल फ्लूइड ये किसमें आ सकते हैं स्टूडेंट्स, दे आर इंक्लूडेड इन सीरस फ्लूइड्स। उसके बाद हम लोग और भी एग्जाम्पल्स इनके देख सकते हैं, जैसे हो सकता है इंटरस्टीशियल फ्लूइड, इंटरस्टीशियल फ्लूइड, इंटरस्टीशियल फ्लूइड कहां पर है, इट इज फाउंड बिटवीन द टिश्यूज, ये किसके पाया जाता है, ये टिश्यूज के बीच में पाया जाता है। और हो सकता है यहां पर साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड कहां पाया जाता है, हम सबको पता होता है इट इज फाउंड इन द ज्वाइंट्स, ये कहां पर पाया जाता है, ये जोड़ों में पाया जाता है, जोड़ों में जो स्मूथनेस है स्टूडेंट्स ये किसकी वजह से है, इट इज ड्यू टू द साइनोवियल फ्लूइड, इट इज फाउंड इन द ज्वाइंट। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं यहां पर, और कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड हो जाएगा, इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड, ये इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड कहां पाया जाता है, इट इज फाउंड इन द आई वॉल, इन द आई वॉल। हम लोगों ने बहुत बार सुन रखा होता है कि एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर स्टूडेंट्स किसका एग्जाम्पल होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड, ये इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड का एग्जाम्पल होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। एक तीसरा एक एडिशनल जो आता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, एक और फ्लूइड जिसको हम, तो स्टूडेंट्स तीसरा जो और एक थोड़ा सा अलग से हम लोग जो देख सकते हैं यहाँ पर वो आपका हो सकता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड, कौन सा हो सकता है, वो ट्रांससेलुलर फ्लूइड हो सकता है। तो आइए देखते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या होता है, अनदर वन इज ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड कुछ नहीं है, इट इज स्पेशलाइज टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, इट इज स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड दिस इज प्रेजेंट इन रिलेटिवली लोअर अमाउंट स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा कम मात्रा में पाया जाता है, एंड इट इज सिग्रीटेड फ्रॉम द एपिथेलियल लाइनिंग्स, इट इज सिग्रीटेड फ्रॉम द एपिथेलियल लाइनिंग्स, ये एपिथेलियल लाइनिंग्स के द्वारा निकलता है, जो एपिथेलियल सेल्स है उनकी जो लाइनिंग्स है उनसे सिग्रीट होता है। इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड को, साइनोवियल फ्लूइड को, साइनोवियल फ्लूइड को, और इसमें हम लोग स्टूडेंट्स सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हम लोग यहाँ पर भी लिखते हैं सीएसएफ, इट इज फाउंड इन वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की जो कैविटीज है उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं, तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो हॉलो कैनाल है उसमें पाया जाता है, मेनिंजस के बीच में पाया जाता है, तो इस तरह से ये हो जाता है। तो दिस वॉज अबाउट द फ्लूइड, जो फ्लूइड हमारे बॉडी में पाए जा रहे हैं उनके बारे में। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेशन किस तरह से होता है, तो इसकी बात करते हैं हम लोग। अब देखिए जरा यहां पर हम लोग देखते हैं दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ओपन सर्कुलेशन, और एक होता है क्लोज सर्कुलेशन। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के सर्कुलेशन पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स की हम लोग ने कर ली, तो अब सर्कुलेशन देखते हैं। दो तरह के सर्कुलेशन पाए जाते हैं यहां पर, एक होता है स्टूडेंट्स ओपन सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन, एंड द अदर वन इज द
का क्लोज सर्कुलेशन, दूसरा कौन सा होता है क्लोज सर्कुलेशन। अब अंतर समझना होगा दोनों का हमको, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि ओपन सर्कुलेशन में जो बॉडी के सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स या टिश्यूज होते हैं वो सीधे ब्लड के संपर्क में रहते हैं, जबकि क्लोज सर्कुलेशन में बॉडी सेल्स और बॉडी टिश्यूज आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, ये ब्लड के डायरेक्ट संबंध में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है देखिए, यहां पर सेल्स आर डायरेक्टली बेथ्ड इनटू द ब्लड, यहां पर जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में नहाए हुए हैं। ठीक है, और यहां पर नो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। ठीक है, एंड ब्लड फ्लोज इन द साइनसेस, ब्लड फ्लोज इन द साइनसेस यानी कि जो कैविटीज है उसमें ब्लड फ्लो करता रहता है। ओपन सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स में आप आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क को याद रख सकते हैं, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। ठीक है, ये ओपन सर्कुलेशन के एग्जांपल हो जाते हैं, जबकि क्लोज सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ब्लड फ्लोज इन द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। यहां पर ब्लड जो होता है स्टूडेंट्स वो किसमें चलता है, वो ब्लड वेसल्स में चलता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में हम लोग याद रख सकते हैं एनेलिड्स, कॉनकॉर्डेट्स, इनमें ये पाया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फाइलम टू हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से सबसे पहले किसमें देखा गया था, फाइलम एनेलिडा में यानी कि एनेलिड्स में। ठीक है, जो अर्थवॉर्म वाला फाइलम है, क्लियर, तो ये हम लोगों को ध्यान रखनी होती है बातें। उसके बाद देखिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन की, ये बात हो गई अब ब्लड किस तरह से फ्लो कर रहा है, तो अगर वर्टिब्रेट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, अगर हम लोग उनकी बात करते हैं यानी कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में देखिए क्लोज सर्कुलेशन ही मिलेगा, लेकिन यहां पर एक स्पेशल तरह के सर्किट्स बनते हैं। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स किसको कहते हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। तो वर्टिब्रेट्स की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, दो तरह का सर्कुलेशन मिलता है, कुछ में पाया जाता है सिंगल सर्कुलेशन, सम आर हैविंग सिंगल सर्कुलेशन, व्हाइल द अदर्स आर हैविंग डबल सर्कुलेशन, अदर्स आर हैविंग डबल सर्कुलेशन। ठीक है, कुछ में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है और किसी किसी में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अब देखिए सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड वही ब्लड हर्ट से एक बार में गुजरता है, जबकि डबल सर्कुलेशन में वही ब्लड हर्ट से दो बार में गुजरता है, एक बार वो प्योरिफाइड फॉर्म में और एक बार इम्प्योरिफाइड फॉर्म में वो गुजरता है ब्लड। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां पर क्या होता है, ब्लड फ्लोज वंस थ्रू द हार्ट, वंस थ्रू द हार्ट, यहां पर एक ही बार में ब्लड स्टूडेंट क्या करता है, फ्लो करता है। अगर हम और बेसिकली यहां पर कैसा ब्लड फ्लो करता है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से फ्लो करता है। ठीक है, जैसे अगर हम मान लें कि फिश में किसमें पाया जाता है, ये फिश में पाया जाता है, तो फिश में मैंने बनाया ये ऑरिकल बना दिया और ये मैंने क्या बना दिया, इस तरह से वेंट्रिकल्स बना दिए मान लीजिए। ठीक है,
तो ये क्या हो जाता है, ये ऑरिकल ऑरिकल हो जाता है और एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल मिलता है और ये क्या हो जाता है, ये वेंट्रिकल हो जाता है। दो चैम्बर का हार्ट है और यहाँ पर ब्लड जो होगा ये आया ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चल रहा है हार्ट से, और ऐसे हार्ट को हम लोग कहते हैं वीनस हार्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग स्टूडेंट, इसको कहते हैं वीनस हार्ट। इसका नाम आप याद रख सकते हैं वीनस हार्ट, वो हार्ट है जिसमें इम्प्योर ब्लड चलता है, और वेन में भी इम्प्योर ब्लड चलता है यूजुअली, एक्सेप्शन की बात अलग है। आमतौर से वेन्स में इम्प्योर ब्लड चलता है तो ऐसे हार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वीनस हार्ट कहते हैं। एंड इट इज फाउंड इन फिशेज, ये किसमें पाया जाता है स्टूडेंट्स, फिशेज में पाया जाता है। और यहाँ पर ब्लड का प्योरिफिकेशन करता कौन है, द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय गिल्स। यहाँ पर ब्लड का प्योरिफिकेशन कौन कर रहा है स्टूडेंट्स, गिल्स करते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की स्टूडेंट्स, तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड फ्लोस ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट, वही ब्लड हार्ट से दो बार में गुजरता है, एक बार वो इम्प्योर फॉर्म में गुजरता है और एक बार प्योर फॉर्म में गुजरता है। तो आइए जल्दी से इसको हम लोग एक बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने क्या मान लिया, ये मैंने मान लिया स्टूडेंट्स हार्ट, दिस इज द हार्ट, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट सॉरी राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये बॉडी के पार्ट्स हैं, दे आर द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और इधर मान लीजिए ये क्या मैंने मान लिया, लंग्स, हालांकि हार्ट लंग्स के बीच में होता है लेकिन हम लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तो देखिए क्या होता है, बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड कहां पर आता है, राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड, बॉडी पार्ट से कैसा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, इट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड यहां से आया। ये ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से ये कहां पर भेज दिया गया, लंग्स में भेज दिया गया। किसकी मदद से भेजा गया, उन सब की बात हम लोग करेंगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सर्कुलेशन का। उसके बाद देखिए अब ये इम्प्योर ब्लड लंग्स में गया और लंग्स में क्या हो गया, यहाँ पर ब्लड को प्योरिफाई कर दिया गया। अब ये प्योर ब्लड मैं रेड से बना रहा हूं, दिस प्योर ब्लड या फिर इसको हम लोग स्टूडेंट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हम लोग इसको कह सकते हैं। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड लंग से कहां आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर से किसको भेज दिया गया, अलग अलग शरीर के भागों को, यानी कि इट इज अगेन सेंट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट। देखिए वही ब्लड दो बार चल रहा है हार्ट से, ठीक है, वही ब्लड दो बार चल रहा है हार्ट से। तो ये चीज आपको समझने की कोशिश करना होगी यहाँ पर। तो बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड बॉडी पार्ट से देखिए कहां पर गया, राइट साइड में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, और यहां से लंग्स में जब प्योर हो गया तो ऑक्सीजन मिल गई और ये प्योर हो गया, ठीक है। और प्योर ब्लड यही ब्लड जो इम्प्योर था, यही ब्लड यहां से लंग्स से प्योर होकर के यहां पर वापस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम लोग यहां पर देखिए, हम बेसिक समझाने का मतलब ये है कि वही ब्लड दो बार हार्ट से ट्रैवल कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इन व्हिच डबल सर्कुलेशन इज बीइंग रिपोर्टेड आर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स यानी कि एवीज एंड मैमल्स, इनमें क्या पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन यहां पर पाया जाता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ब्लड का प्योरिफिकेशन कौन कर रहा है, लंग्स कर रहा है। तो ब्लड प्योरिफिकेशन का कार्य किसका है स्टूडेंट्स, लंग्स का। ब्लड प्योरिफिकेशन इज बीइंग डन बाय लंग्स, ठीक है। और यहां पर देखिए प्योर ब्लड भी चल रहा है, इम्प्योर ब्लड भी चल रहा है, तो ऐसे हार्ट को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स आर्टेरियोवेनस हार्ट। यहाँ पर सिर्फ इम्प्योर था तो वीनस हार्ट, यहाँ पर प्योर है तो आर्टेरियो, और इम्प्योर भी है तो वीनस, यानी कि ऐसे हार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टेरियो
वेनस हार्ट, दिस हार्ट इज नोन एज आर्टेरियोवेनस हार्ट। तो दिस वॉज अबाउट द बेसिक ऑफ सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। तो दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर को डिटेल में लेके जाने की, दैट इज हम लोग वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ब्लड। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। थैंक यू।